हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आप भी Flipkart पे एक नया अकाउंट बनाना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि Flipkart पे एक नया आईडी कैसे बना सकते हैं? तो फिर ये वीडियो देखते रहिए। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है सनोज। तो चलिए इसे देखने के लिए चलते हैं हम अपने फोन पे। तो यहाँ पर अब हम अपने फोन पे हैं और यहाँ पे हमें एक नया Flipkart का अकाउंट बनाना है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम अपने Flipkart की एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। आप ब्राउजर में भी कर सकते हैं, Flipkart.com खोल के, वहाँ पे भी सेम ही प्रोसेस होगा। चलिए Flipkart ओपन करते हैं। सबसे पहली बार आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे अपने आप से ही आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पे आ गया है। तो इसी मोबाइल नंबर से अगर आपको बनाना है जो आपके स्क्रीन पे शो होता है, तो आप मोबाइल नंबर पे क्लिक कर सकते हैं या फिर आप नन ऑफ द एव पे क्लिक करके यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, जो भी आप मोबाइल नंबर से अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं। चलिए यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं। डालने के बाद नीचे सेंड OTP पे क्लिक करना है। अब ये OTP सेंड कर रहा है, अपने आप ही यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अपने आप ही हमारा जो कोड है वो यहाँ पे आ गया है। अब नीचे वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हमारा ये Flipkart का अकाउंट बन गया है। अब हमें इसमें थोड़ा और सेटिंग्स वगैरह करना होता है, तो चलिए हम देख लेते हैं फटाफट से क्या देखना है। यहाँ पे ऊपर में 3 लाइन पे क्लिक करना है और माय अकाउंट पे यहाँ पे जाना है। अब यहाँ पे टेम्पररी हमारा अकाउंट बन चुका है, लेकिन यहाँ पे हमें ऊपर में अपना नाम डालना है। चलिए यहाँ पे अपना नाम डाल देते हैं, नीचे में लास्ट नेम डाल देते हैं, देन सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारा नाम जो है वो अपडेट हो गया है। अब हमें अपना जो एड्रेस है, अगर हम शॉपिंग करना चाहते हैं तो एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें अपना एड्रेस अपडेट कर देना है। तो इसके लिए हम नीचे जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे माई एड्रेसेस पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऐड एंड एड्रेस पे क्लिक करना है एंड यहाँ से हमें अपना एड्रेस फटाफट से अपडेट करना है। चलिए फटाफट से हम यहाँ पे डाल देते हैं, हाउस नंबर, बिल्डिंग नेम, ये सब हमें अच्छे से डालना है, रोड एरिया, सिटी यहाँ पे हमारा आ गया है, अपने आप ही बिहार स्टेट भी आ गया है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लैंडमार्क यहाँ पे ऑप्शनल है, आप यहाँ पे डाल सकते हैं। हम यहाँ पे लैंडमार्क भी डाल देते हैं, लैंडमार्क में हमने डाल दिया। यहाँ पे हम अपना नेम डाल देते हैं और नीचे दिया हुआ है मोबाइल नंबर। यहाँ पे आपको ये मोबाइल नंबर ध्यान से डालना है, क्योंकि जब आपका प्रोडक्ट आएगा, जब आप ऑर्डर करेंगे प्रोडक्ट आएगा, तो इसी मोबाइल नंबर पे आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा जो प्रोडक्ट है वो देने के लिए। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको ध्यान से डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपका कोई अल्टरनेट नंबर है तो यहाँ पे डाल सकते हैं या फिर इसे छोड़ सकते हैं। एड्रेस टाइप में आप होम कर सकते हैं अगर आपका घर है, या फिर ऑफिस है तो ऑफिस कर सकते हैं। और करने के बाद नीचे सेव पे क्लिक कर देंगे। एड्रेस जो है अब क्रिएट हो गया है, एड्रेस हमारा सेव हो चुका है। अब हम चाहें तो अपना कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं Flipkart से, कुछ भी सामान खरीद सकते हैं। यहाँ पे हमारा एड्रेस भी आ गया है, अकाउंट भी बन चुका है सक्सेसफुली। तो इस तरह से आप अपने Flipkart में अकाउंट को बना सकते हैं और कुछ भी खरीदारी यहाँ से कर सकते हैं।